धनतेरस पर इन पांच चीजों को घर लाने से बढ़ती है धन संपत्ति, अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने खुद बताए हैं नियम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष पर। चैनल बने हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। दिवाली के पर्व को हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस शुभ दिन लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के साथ साथ अपने घरों को लाइटों, फूलों और दीपों से भी सजाते हैं। हर साल दिवाली से एक दिन पहले कार्तिक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, धनवंतरी देव और कुबेर देवता की पूजा का भी विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी और नए बर्तन आदि खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि सोना चांदी के अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको धनतेरस के दिन खरीद कर घर पर लाना बेहद ज्यादा शुभ है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज से आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीजें लाना शुभ होंगी, कौन सी वो पांच चीजें हैं जिनको खरीदना है शुभ। पहला है झाड़ू। अनिरुद्ध आचार्य महाराज के अनुसार धनतेरस के शुभ दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू को धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिसे घर लाने से बरकत होती है, खासतौर पर आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों में खास तौर पर हल्दी की गांठ का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर धनतेरस के शुभ दिन हल्दी की गांठ को खरीद कर घर लाना बहुत ज्यादा शुभ है। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, साथ ही घर वालों को बुरी नज़र भी नहीं लगती है और इसके अलावा तरक्की की राह में आ रही बाधाएं भी कम हो जाती हैं। अनिरुद्ध आचार्य महाराज बताते हैं कि धनतेरस के दिन खील पताशे जरूर खरीदने चाहिए। इन्हें इस शुभ दिन घर लाने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पैसों की कमी का भी सामना नहीं करना पड़ता है। धनतेरस के शुभ दिन नमक भी जरूर खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, जहां से नमक भी निकला था। ऐसे में धनतेरस के दिन नमक खरीद कर घर लाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही कुंडली में राहु का नकारात्मक प्रभाव भी कम होता है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। धनतेरस की देवी की पूजा में माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित किया जाता है। धनिये को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, जिसे घर लाने से सुख शांति बनी रहती है। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि ना ही तो आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट पाए और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें।